इस तो पहला कि मैं तुहाड़ी गल दा जवाब दियां, सारे तो पहले तो मैं तुहानू बहुत प्यार करदा। मेरा ख्याल है दोस्ता तुसी पहली बारी इस प्रांगण च आए हो, आई लव यू अलॉट। और ये मेरा शौक है, ये मेरी कमजोरी है। तुसी लोग आए तो मैं बोला ना, लो सुनो, पहले नंबर ते तो युवक मेला कोई वक्री चीज़ नहीं, पढ़ाई तो माइंड बॉडी एंड सोल की डिवेलपमेंट नूं एजुकेशन कहा जाता है। तो सोल तो बॉडी की डिवेलपमेंट तो माइंड की डिवेलपमेंट उन्नी देर नहीं होंगी जिनी देर तक बच्चों के वक्रिया वक्रिया वनगियां वक्रिया वक्रिया कलाम पनपदियां नहीं उत्पन्न नहीं होंगे उन्नी देर नहीं होंगी। मेरा शौक है, है मेरा सबर है, है मेरा प्यार है, है। मैं बड़े बारी यूथ फेस्टिवल्स जवानी पहरे जो मैं 59, 60, 57, 58 दे विच स्टूडेंट्स ही हिस्सा लिया, कई बारी तारा भी तोड़िया, कई बारी गा के भी आया, कई बारी नाटक च जनरल एडवायर का रोल भी किया। मेरे मन च चाह सी कि ये मेरी संस्था जिहड़ी 100 साल तो वध पुरानी हो चली है, तो 14 साल इस कॉलेज बनाया नूं भी हो गए ने, इन्हें अज तक कित योग मेला तो लाया ही नहीं यार। ये तो वेखे ही नहीं भी कुड़ियाँ ते मुंडे सांझे तौर पर किवें नचते टपते ते गाउंदे ने, उहदा अंदाजा ही नहीं लाया, उहदा आनंद ही नहीं माणिया। तो बड़ी कोशिशां दे नाल जदों जुलाई दे विच असीं इस कॉलेज का प्रिंसीपल मिस्टर जिंदल राकेश नूं लैके आए हाँ, मैं कहा ओए राकेश जिंदल तेरा मैनूं पता, तू अपना प्रसार बड़ा कीता होया, अपनी बाहां बड़ियां लंबियां कीतियां ने, तेरा कद बड़ा लंबा है, यूनिवर्सिटी दे नाल गल कर एंड सी कि ऐतकी यूथ फेस्टिवल बरनाला कॉलेज SSD कॉलेज वालों मनाया जाए और बरनाले च मनाइए, जिस तरह स्पीकर लोग विधानसभा, जिस तरह DIG पटियाला रेंज, DIG बरनाला रेंज, सैशन जज, जुडिशियल टीम, ये सारी तो होर वड्डे वड्डे। तो मैं पिछले कुछ दिनों तो अपने बच्चों की तैयारी वेख रहा किदां दी कर दिया, क्या कला है मुंडियां दे विच, किन्नी कला छुपी हुई है इस इलाके दे विच, मैं तो देख देख के हैरान रह गया। जिसनों मैं तो सिर्फ अपनी मदद वास्ते लाया सी, पर उसने मेहनत दे रंग ऐसे वक्रे वक्रे रंग विखाए, इस गुलशन च लिया के खिड़ाए भी ये गुलशन एक गुंचा बन गया, एक फुलां दा गुलदस्ता बन गया। और इस गुंचे नूं हर फर्दो बशरे इस इलाके दे रहण वाला प्यार करदा, इसे लई ही टंडन स्कूल दे विच मेहनत नाल, क्योंकि बच्चों ने काम किया, अज 900 बच्चा टोटल विद इन 2.5 ईयर पढ़ रहे हैं। और ऐसी शिक्षा रहेगी वो दिन दूर नहीं जदों इस संस्था के बच्चे IAS अफसर बनेंगे, IPS अफसर बनेंगे, जुडिशियल सिस्टम च आउणगे, वकील तकड़े बनेंगे, डॉक्टर तकड़े बनेंगे। इन गलों के नाल मैं थोड़ा ज़्यादा समा नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैनू तो बोलने की आदत है। मैं बजाते खुद ये संस्था 1965 ज्वाइन की थी, 65 तो ही मैं जनरल सैकटरी चलिया हुंदा सी, पर मेरी इस बच्चे प्रति लाइकिंग मेरी मुराद शिव सिंगला तो है, बहुत प्यार दिता इसनों, मैं अपने पुत्तां वांगू प्यार प्यार दिता है। और इस कारण ही मैं खुद जनरल सैकटरी इसनों बनाया, खुद मैनू चेयरमैन बना लिया गया। असी इस संस्था नूं अगे वध ही देखना चाहुंदे आ, तुहाडा सारिआं दा प्यार इदां ही जे मिलदा रहा तो उस दिन दूर नहीं जदों इह संस्था बहुत शिखरां ते पहुंचू। शहर वासियां नूं पुरजोर मैं अपील करदा, गज वज के आउण इस मेले च, इस मेले च बच्चों के भंगड़े, बच्चों का नाच, कुड़ियों का टप्पणा देखो किदां बच्चे नचते हैं, तुहाडे बच्चों की टैलेंट है। मेरे इस कॉलेज के बच्चों ने आ मैं हुणे नाटक वेख रहा सी, ऐसा स्किट पेश कर रहे हैं, वो कहिंदे कुर्सी तो झूठी हो, मैं तो सच दी कुर्सी ते बैठा, इहो जी कला इन्हां बच्चों के विच पनपदी है। और मैनू लगता वो दिन दूर नहीं जदों एकनाथ दा अमिताभ बच्चन
एक कोई राजेंद्र पाल, कोई दिलीप कुमार, कोई राजेंद्र कुमार, तो कई और बड़े बड़े कलाकार भी इस कॉलेज से निकल के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। देखो SSD कॉलेज हमेशा ही कल्चर नूं प्रमोट करन दे लई हर साल वक्री वक्री एक्टिविटीज़ करांदा रहा है, पर 13 सालों दे विच पहली बार है भी असी इस बार पंजाबी यूनिवर्सिटी द्वारा करवाए जा रहे यूथ फैसटिवल जिस मलेरकोटला बरनाला जोन नूं असी होस्ट कर रहे हैं। बड़ी खुशी की गल है, मैनूं लगता भी ये मेले वाला माहौल है क्योंकि कितने कितने इदां दी एक्टिविटीज़ बड़ी जरूरी ने, क्योंकि ये वो स्टेजस ने जिन्हां ने बड़े बड़े कलाकार, चाहे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी की गल करिए, सिंगर गुरदास मान जी की गल करिए, कुलविंदर बिल्ले की गल करिए, या होर किन्ने ही कलाकारां की गल करिए, स्टेज ने पैदा किए ने। तो ये नौजवानों के लिए नशे तो मोड़ के अपने सभ्याचार वल, कला वल, आर्ट वल जोड़न का एक बहुत वड्डा मौका हुंदा। और SSD कॉलेज इस नूं होस्ट कर रहा है तो साड़ी पूरी टीम, साढ़े प्रिंसिपल साहब डॉक्टर राकेश जिंदल जी की अगवाई हेठ, साढ़े चेयरमैन श्री SK शर्मा जी की गाइडेंस हेठ बहुत जोर शोर दे नाल कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं भी उन्हें ड्यूटीज़ लगिया हुई ने, उन्हें लग रहा भी जिम्मे पता नहीं साढ़े बेड़े ब्याह हैगा तो उन्होंने असं मना कि किस तरीके दे नाल रंग भरने इस फंक्शन दे विच, हर एक बच्चे दे फेस दे उपर एक मिठी जी समाइल हैगी है, क्योंकि मैं लगता भी एक बहुत बड़ा इवेंट हैगा अपने आप के। मैं कहना चाहना भी ये वो मेला है जिथे भंगड़े, गिद्दे, नाटक, आर्ट, ममिक्री, शब्द गायन, म्यूजिक दी आइटम्स, हर तरीके का सानू कॉम्पीटिशन देखने को मिलना, हर तरीके की पेशकारी देखने को मिलनी है। सानू आके इन बच्चों का हौसला अफजाई करनी चाहिए है। तकरीबन 45 तो वध कॉलेज के बच्चे इतने पार्टीसपेट कर रहे हैं, तकरीबन 2 से 3 हज़ार बच्चा डेली इतने देखने लिए आएगा, टीचर्स आएंगे, प्रिंसिपल साहिबान आएंगे, और हर एक दिन कोई ना कोई बहुत ही वधिया शख्सियत जिहड़ी हैगी ने, परसनैलिटीज़ ने, वो इतने आ रहे हैं। तो मैं लगता भी शहर वासियों उन्होंने कॉलेज SSD कॉलेज के बेड़े के आके जरूर आशीर्वाद देना चाहिए।